हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। इससे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कल वीडियो में डाला था त्रिकोणमिति का, उसमें सिर्फ फार्मूला का ही बारे में बात किया था, कौन सा फार्मूला किस तरह से होता है उसके बारे में बात किया था। उसमें आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आया, फिर भी उम्मीद से थोड़ा कम था। पर चलिए आज हम क्वेश्चन करने वाले अच्छे से, और भी फार्मूले हैं उसको बारे में भी अगले वीडियो में किया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करेगा तो ही मैं करूँगा, वरना नहीं करूँगा, क्योंकि वो सारे फार्मूले आपको बुक में मिलेगा और उतना आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने आऊँगा आज से। और नया इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए, जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इंग्लिश हुआ आपका, जीके हुआ और आपका मैथ हुआ, यही ना सेक्टर है, और फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ, तो इसके अलावा आपका फिजिक्स भी हो गया और केमिस्ट्री, इन सब का देखिए 31 जुलाई तक क्या है कि कोचिंग और स्कूल सारे बंद हैं। पहले भी बंद थे, लेकिन ये पार्टिकुलर हो, क्योंकि इधर मैं थोड़ा कहीं और अपना पढ़ाई में ध्यान दिया था, उधर मैं बंद कर दिया पूरी तरह से। तो 31 जुलाई तक मैं देखिए परचेज हुआ हूँ ऑनलाइन। इसमें से 15 टेस्ट होंगे इंग्लिश के सिर्फ, जीके का भी 15 टेस्ट और मैथ का भी 15 टेस्ट, ठीक है, और इन सब का ही 15 टेस्ट होंगे। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट का लाऊं, इंग्लिश लाऊंगा तो उसके साथ जीएस आएगा, या ये लाऊं तो फिजिक्स, मतलब 2 वीडियो आपको कंपलसरी कर दूंगा या सेट कर दूंगा इस तरह से, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह सेट आपको एयरफोर्स नेवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी स्टूडेंट ये तैयारी करते हैं, रीजनिंग का भी है जो वाई ग्रुप के तैयारी करते हैं एयरफोर्स में, वो तो पैरामेडिकल वाले को नहीं समझ में आएगा वाई ग्रुप, लेकिन वो एयरफोर्स के जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा, या रागा में आपका आ जाएगा रीजनिंग, ठीक है, उसमें आता है, तो उन लोगों के स्टूडेंट के लिए ये है। अब ये जब खत्म हो जाएंगे 15 सेट, उसके बाद हर आपका जैसे कि एयरफोर्स का हुआ उसका सेट मैं शुरू कर दूंगा, नेवी का शुरू कर दूंगा, और पैरामेडिकल के लिए मैं बात कर लिया हूँ, सेट का पूरा तैयार है, और प्रीवियस ईयर का भी व्यवस्था कर लिया जाए, उसके बाद अब जैसे होगा आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो आप लोग का अच्छा लगेगा तो ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं है, जिन्हें पढ़ना है वही यहाँ पर आएंगे, तो मेरे लिए भी फायदा रहेगा और आप लोगों के लिए फायदा रहेगा, भीड़ लगाने से कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, और पढ़ने वाले स्टूडेंट को ही लाइए, और मेरे जितने भी स्टूडेंट व्यूअर हैं वो सभी के सभी पढ़ने वाले ही हैं और अच्छे तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। और आप लोग अपना थोड़ा कमेंट भी किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको क्या कमी लग रहा है पढ़ाने में वो भी बताइए, मैं भी अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखता हूँ, फिर भी जो कमी लग रहा है कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा, या कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं वो सभी आप लोग कमेंट में लिखिए। और मैं बता दूं, जो भी लेटेस्ट वीडियो पहले डल चुका होता है वो आपको आई बटन में मिलता है, आई बटन ऊपर होगा, क्लिक करिएगा उसमें आ जाएगा, या फिर पैरामेडिकल के लिए लगभग मैं 60+ क्वेश्चन वीडियो डाल चुका हूँ, उसका प्लेलिस्ट बनाया हूँ आपका पैरामेडिकल का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाइए और जो जो वीडियो नहीं देखे हैं वहां से टोटल देख लीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का, कल से इस पर काम हो जाएगा, काम शुरू कर देंगे हम, 2-2 वीडियो आना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग के लिए अच्छा न्यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे, वीडियो को रोकिएगा, हल करिएगा, आंसर लिख लीजिए, फिर उसके बाद हल देखिएगा मेरा, और आंसर मैच करिएगा, आपका कितना सही और कितना गलत हुआ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है जिसका एगो एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, एबीसी, और जो 90 डिग्री है आपका बी वाला ही है, और बोल दिया है कि ए बी आपका 3 दे दिया है और बी सी आपका 4 दिया है, 10वीं का क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ट्रिपलेट ध्यान में होना चाहिए आपको, क्वेश्चन भी आपको आ रहा होगा तो बनाइएगा। इसे पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है cos c इज इक्वल टू व्हाट,
ये हो गया आपका कर्ण। अब कॉस सी के अनुसार कॉस पहले क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपका आधार क्या होगा, कॉस इसके अनुसार इस एंगल के अनुसार आधार ये होगा ना चार, नीचे आ जाएगा कर्ण पांच, मतलब कॉस सी इज इक्वल टू चार बटा पांच। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो थोड़ा सा आप लोग भी देखिए मेहनत को और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और लाइक जरूर करिए अगर देख रहे हैं तो। चलिए दो नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी आपको बताना है तो क्या होगा। अभी ये देखिए इसको, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको अगर उस तरह से करते हैं तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब इसको अगर तोड़ते हैं अगर तो क्या होगा आपका, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि इतना बराबर से एक स्क्वायर थीटा होता है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए अब तब यहाँ पर क्या होगा, यह हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसे आप डायरेक्ट लेते हैं, चलिए मैं डायरेक्ट लेता हूँ, यहाँ पर अगर सेक स्क्वायर थीटा करते हैं, वैसे भी करता तो आ जाता लेकिन थोड़ा लंबा जाता, तो क्या आ गया, अब इसे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब किसी एक को बदलिए, किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस स्क्वायर थीटा कितना गया एक, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक काफी आसान क्वेश्चन है, देखने में भारी लगेगा और बहुत से बच्चा ये क्वेश्चन काफी कम समय में कर लिए होंगे मुझे पता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ तो दम होगा, तभी तो भीड़ है आपका कंपटीशन के लिए, वरना तो खाली है ना कंपटीशन भी। हालांकि लॉकडाउन के कारण बहुत सा जो हम लोग खास करके बहुत दिक्कत हो रहा है। तो थीटा का मान दे दिया है आपको, इतना दे दिया है, आप ज्ञात क्या करना है, साइन थीटा इंटू सॉरी कॉस थीटा, यही आपको ज्ञात करना है, माइनस में दे दिया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए अगर आप देखें ध्यान से तो यह क्या है, देखिए फर्स्ट है मतलब क्या होता है 300, अब इसमें किसे गुना करेंगे तो लगभग 6 3 18 1800 के लगभग जा रहा है, मतलब 6 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, करिए 6 36 के 6 3 18 3 21 2100 साल, इसमें कितना आप जोड़िएगा तो इतना जाएगा आपका, 40 जोड़िएगा तो 2200 हो जाएगा और 60 मतलब इसमें 60 को जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा। तो थीटा की जगह आप यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को पाई बराबर क्या होता है 180, तो 2π इसके जगह पर 2π लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 12 6 2 12, तो आइए मैं वहाँ सेट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 12π प्लस 60, इस तरह से करिएगा ना। और इसको भी करते हैं अगर cos 12π प्लस 60, थीटा की जगह पर यही ना रखिएगा 2220, अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, यहाँ देखे ना मैं इसको करिएगा तो इतना ही ना आएगा, तो उसके जगह लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आपको पता है फॉर्मूला, तो क्या होगा। अब यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि किस तरह से करेंगे, तो नहीं ध्यान में होगा तो दिमाग में ये बनाना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए यह है 2π है 180 और 2π आएगा तो यहाँ पर आएगा, मतलब यह यहाँ से घूमकर यहाँ घूम गया तो 360 हो गया ना, तो इसमें यहाँ हमेशा आएगा, अब यहाँ से 60 को जुटेगा तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका सभी जितना साइन के 6 को होता है सब प्लस होता है, और अब यह आपको किससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है, तो मतलब ये साइन में ही वैल्यू रह जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, ठीक उसको भी इसी तरह पढ़िएगा, यह भी कॉस में ही रह जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए इसका, साइन 60 का वैल्यू √3/2 माइनस इसका कितना होता है 1/2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 60 का साइन 60 का √3/2, हॉल करिएगा एलसीएम 2 हो जाएगा √3 - 1, ऑप्शन नंबर बी
का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब वो समझाने के लिए इतना मुझे करना पड़ा, नहीं तो चुटकियों में हो जाएगा। आप भी जब ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाने लगेगा तो आप चुटकी में बना, दिमाग में ही बनाकर आप आंसर ठीक कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते रहिएगा, क्योंकि हम लोग का ईंधन वही है, देख रहे हैं पसीना पसीना हो जा रहा है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए ताकि मुझे जो ये गर्मी हो रहा है इसको मैं दूर कर पाऊँ। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस पाई बाई 16 प्लस कॉस 3 पाई बाई 16 प्लस कॉस 5 पाई बाई 16 डिटो डिटो मतलब यह जाएगा आपका कॉस 15 पाई बटा 16 तक जाएगा। अब इसका हॉल ज्ञात करना है आपको, अब हॉल ज्ञात करना है तो अगर ध्यान से आप देखते हैं यहाँ इसको हम क्या लिख सकता हूँ, तो मतलब ये वाला लास्ट सेकंड माने फर्स्ट हो गया और लास्ट हो गया, दोनों को एक साथ लीजिएगा तो क्या होगा, अगर इसको हम लिखते हैं cos पाई बाई 16 अगर उसको मैं यहाँ पर लाता हूँ, सब तो प्लस में है तो कोनों को किधर जोड़िए कोनों फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको अगर यहाँ पर लाता हूँ और उसको किस तरह लिखता हूँ ये ध्यान दीजिएगा। इसको अगर पाई और माइनस पाई बाई 16 करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 16 पाई और माइनस पाई बटा 16 कितना आ गया 15 पाई बटा 16 वही ना आया, तो उसके जगह पर इतना लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी तरह इसको मैं लूंगा इसके सेकेंड वाला, इसी तरह से आते जाएगा आपका। तो सिर्फ एक का मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद समझ जाइएगा कि इसका मतलब फाइनली क्या आ जाएगा। यहाँ देखिए अब ये अब वैल्यू आएगा तो कितना आएगा, और यहाँ पर माइनस में आएगा प्लस में, तो वही बात आया आपका कोऑर्डिनेट देखिए, देखिए ये पाई है मतलब ये वाला डिग्री है 180 डिग्री, यह है ना यहाँ तक, यहाँ से जीरो हुआ यहाँ यहाँ तक 90 फिर यहाँ तक 90 180 हो गया। अब यह टकरा रहा है आपका पाई से, मतलब ये कॉस में ही रहेगा, अब रहेगा तो क्या, यहाँ से देखिए यहाँ से 180 में से कितना घटेगा पाई बाई 16, मतलब कितना भी घटे 180 में से कोऑर्डिनेट इसमें आ जाएगा, इसमें आएगा ना, और इसमें कॉस क्या होता है वैल्यू माइनस होता है और यह पाई से टकरा रहा है इसलिए यह कॉस में ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा इसका माइनस कॉस थीटा होगा, थीटा की जगह क्या है इतना है, समझे। तो इसी तरह आपका कॉस पाई बाई 16 अब यह क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कॉस पाई बाई 16 यह कट कर कितना हो जाएगा जीरो, इसी तरह से आएगा मेरे को इसी तरह से है ना प्लस जीरो अब जीरो जीरो कितना भी जोड़िएगा कितना जाएगा फाइनली आपका आंसर हो जाएगा जीरो। इसी तरह इसको भी चेक कर सकते थे, इसका पहले वाला लिखकर ये क्या कर रहा है आपका विषम वाला लिखते जा रहा है, यहाँ इसके बाद इसके पहले कितना होता है कॉस 13 पाई बटा 16 होता है, अब इस दो को हम साथ ही लेते ठीक है, अब उसको लेने के लिए क्या करता है मैं जैसे भी हो मैं इस तरह से करता फिर फाइनली आपका यह माइनस आता कट कर आपका जीरो आ जाता, तो आप फाइनली इतना जानिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा आंसर, सी आपका आंसर हो जाएगा जीरो। सिर्फ इसको और इसको अंत वाला चेक कर लीजिए, बीच वाला भी सेम इसी तरह आएगा फाइनली कट के जीरो आ जाएगा, तो यह जीरो आया तो वो भी सब जीरो आएगा, तो इसीलिए आंसर जीरो हो जाएगा। अब जीरो जीरो कितना भी जोड़ दीजिएगा वो तो जीरो ही रहेगा, समझे ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा आप, तो आपको दे रखा है कॉस 15, ये काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत से लड़का जो फॉर्मूला नहीं जानता होगा वो घबरा जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 15 में 45 में से 30 घटाइएगा तो 15 ही आएगा। अब आपको पता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस सॉरी यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस लेता है साइन ए साइन बी, हम मान रख दीजिए क्या होगा कॉस 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30 मान लिखिए, इसका 1/√2 कॉस 45 का 1/√2 ही ना होता है, अब का कॉस 30 का √3 बटा
टू और प्लस कॉस 45 साइन 45 का 1 बाई रूट टू और साइन 30 का 1 बाई टू। अगर आप पढ़ते हैं तो क्या आएगा ऊपर रूट थ्री टू रूट टू प्लस इसका क्या हो जाएगा टू रूट टू। वन में वन से गुना करिए कोई फर्क नहीं, एलसीएम में यही हो जाएगा आपका टू रूट टू, ऊपर क्या हो जाएगा रूट थ्री और प्लस वन होगा ना। देखिए आंसर इस तरह से दिया है तो दिया है तो फर्मी कॉलर तो देख लीजिए दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पांच का आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अच्छा लगे तो लाइक करिए, हम लोग का फ्यूल के तरह जैसे गाड़ी में तेल डलवाते हैं पेट्रोल तो वो काम करता है गाड़ी, उसी तरह हम लोग के लिए वो काम करेगा, लाइक जो करिएगा वो पेट्रोल के काम करेगा। और साथ ही साथ कमेंट भी किया करिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और अपने कुछ एक्स्ट्रा भी जो भी अलग से कुछ चाहते हैं वो भी आप शेयर करिए, मैं उस पर काम कर दूंगा आपके लिए। चलिए साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी यही आपको ज्ञात करना है, आपको दे दिया है ऊपर ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू पाई ठीक है। तो अगर मैं लिखूं ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका भी फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी, उसको आप फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन सी प्लस साइन डी। तो यहाँ पर होता क्या है फॉर्मूला टू साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का टू ए प्लस टू बी बटा टू इंटू यहाँ गुना के चिन्ह में होता है कॉस ए माइनस सी माने टू ए माइनस टू बी बटा टू आप प्लस साइन टू सी रखने दीजिए ठीक है। तो यहाँ पर टू साइन देखिए यहाँ से दो कॉमन आएगा और फिर दो से कट जाएगा, यहाँ से दो कॉमन करिएगा तो क्या आएगा दो ए प्लस बी बटा में टू है तो टू टू कट जाएगा तो क्या बचेगा फाइनली ए प्लस बी ठीक, उसको भी उस तरह से करिएगा तो क्या बचेगा ए माइनस बी और माइनस साइन सॉरी प्लस है टू सी इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ आप देखिएगा तो इसके जगह पर आपको दिख रहा है इतना दिख रहा है टू साइन माने ए प्लस बी बराबर क्या है पाई माइनस सी कॉस ए माइनस बी प्लस साइन टू सी ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये घटेगा तो क्या होगा टू साइन सी हो जाएगा ना, आपको पता है ना 180 डिग्री यहाँ है, अब 180 में से सी घटेगा मतलब इसी में आएगा, अब इसमें साइन क्या होता है प्लस होता है इसीलिए माइनस वाला कोई फंडा नहीं आया तो इतना आ गया आपका डायरेक्ट इंटू यहाँ पर गुना के चिन्ह में है कॉस ए माइनस बी और प्लस ये और क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा तो टू सी इंटू कॉस सी होता है ना। एक मिनट एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, उसी को किए हैं साइन टू सी को टू साइन सी इंटू कॉस सी। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं टू साइन सी तो यह क्या बचेगा कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी यह आपको बच जाएगा। अब यह इतना आ गया आपका, इसके बाद से क्या करना है आपको एक मिनट, यहाँ पर आपको प्लस के रूप में रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस है गुना के रूप में नहीं आएगा। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला बैठा लीजिए, आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका यहाँ पर कॉस का। अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा कॉस सी के रूप में अगर लिखते हैं मतलब सी बराबर, तो इसको अगर मैं लिखूं सिर्फ सी बराबर तो क्या हो जाएगा पाई माइनस एक मिनट इसको टोटल भेज रहा हूँ इसको इधर ला रहा हूँ तो ए प्लस बी यही ना बचेगा, तो यहाँ पर उसको प्रूफ करूंगा सी के जगह पर तो मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा टू साइन सी इंटू ए आपका एक तो है कॉस ए माइनस बी प्लस पुट करिए कॉस सी के जगह पर कितना रखिएगा पाई माइनस में क्या हो जाएगा ए प्लस बी होगा ना, और टू साइन सी इंटू ये तो आपका जैसे है वैसे ही लिखिएगा लिखिएगा ना।
और उसके साथ प्लस में आपका यहाँ देखिए ये कॉस में ही रहेगा, अब कॉस में जाएगा तो ये माइनस में आएगा, और माइनस में कैसे आएगा सॉरी यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिएगा कॉस ए प्लस बी होगा ना। आज इसके बाद फॉर्मूला आपको पता है टू साइन सी इक्वल टू ये होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए इसी के तरह ए कॉस वाला कॉस आपका कॉस सी और प्लस कॉस डी इस तरह का फॉर्मूला एक होता है आपका क्या होता है ध्यान दीजिएगा तो होता है आपका टू कॉस ए इंटू कॉस बी तो इसको आप डायरेक्ट लिखिएगा उसी तरह आएगा आपका टू कॉस क्या क्या है आपका ए प्लस बी सॉरी माइनस है यहाँ तो माइनस और प्लस करिएगा पहली बार तो ए प्लस बी आपका टू करिएगा तो सब टू टू है माने दो गो ए हो जाएगा आपका ए गो ही कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर टू ए होगा अब टू 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 कट कर अब क्या बच गया कॉस ए इसी तरह फिर इसके बाद माइनस हो जाएगा इसके बाद तो माइनस होगा तो वहां पर यहाँ से माइनस करिएगा अगर ए माइनस माइनस तो ए कट कर आपका माइनस टू ए हो जाएगा और कट कर फाइनली आपका कॉस बी में बदल जाएगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर कॉस ए यहाँ पर आएगा टू गुना में रहेगा और आपका कॉस बी इस तरह से आएगा अभी दो गुना होगा कितना हो जाएगा चार तो अगर ठीक से लिखते हैं तो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी इतना आपका आ जाएगा। अब ऑप्शन में चेक करिए इतना है कि नहीं है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। कितना नंबर सवाल है तो ये छः नंबर सवाल है तो छः का ए आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा लंबा हो गया लेकिन आप बनाते तेजी में एग्जाम में जब बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा तेजी में आप कर पाइएगा। मैथ क्या है जब तक प्रैक्टिस करिएगा तब तक आपका स्पीड और तरीका ध्यान में रहेगा वरना आप उसे छोड़े आप जितना जल्दी उसे छोड़िएगा उससे कई गुना तेजी से आपको वो छोड़ देता है मैथ। तो मैथ मांगता है प्रैक्टिस करते रहिए और अपना सवाल बनाते रहिए यह भी उसी तरह है लेकिन सिर्फ आपको ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई दे दिया है इसके बाद दिया है कॉस टू ए माइनस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी यही आपको ज्ञात करना है ठीक है। हम बताओ जितना चाहिए ना सर से आप माने नहीं चलिए तो ये दिया है तो पहले यहाँ पर सेट कर लीजिए यहाँ पर मैं ए प्लस सी बराबर क्या लिख सकता हूँ कोई दिक्कत बी उधर जाएगा तो माइनस लिख सकता हूँ ना पाई माइनस बी। अब इसके बाद देखिए क्या क्या करना है आप इन दोनों को सिर्फ लेना है एक तो पाई माइनस बी हो गया। अब उसको क्यों ऐसा बैठाया हूँ आगे आपको काम आएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको और इसको साथ में लेना है और फॉर्मूला आपको पता है कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू क्या होता है बोलिए धड़ाक दे तो होता है टू कॉस देखिए कॉस में क्या होता है कि थोड़ा सा उल्टा होता है कॉस को यहाँ पर जोड़िएगा अगर इसको इसको हम लिए हैं इन दोनों को देख लीजिएगा और करने के लिए आप इसको एक साथ में करके उसके बाद करिए लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ टू साइन सॉरी टू कॉस ए प्लस बी तो मतलब टू ए प्लस टू सी कर सकता हूँ आप बटा टू कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भी क्या होता है कॉस ही होता है कॉस में इसके बाद क्या होता है टू ए माइनस टू सी बटा टू अब माइनस ये आ जाएगा ये वाला कॉस टू बी फाइनल। अब इसके बाद क्या होगा टू कॉमन जाएगा कट जाएगा लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और कॉस ए माइनस सी माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ इसका तीन गो फॉर्मूला अगर कॉस में लिखना चाहे तो भी फॉर्मूला है साइन में लिखे तो भी फॉर्मूला है और टेन में लिखे तो भी फॉर्मूला है। तो इसको लिखने के लिए देखिए इसका होता है क्या है कि टू कॉस स्क्वायर बी माइनस वन इतना होता है कॉस टू इसका फॉर्मूला कितना होता है
तो मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ पर लिखिए कॉस टू बी क्या क्या हो सकता है, एक वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका किस में साइन में हो गया, यहाँ थीटा में लिखा हूँ, यहाँ पर बी लिख सकता हूँ। अगर कॉस में लिखना चाहे तो टू कॉस स्क्वायर बी माइनस वन, और टेन में लिखना चाहे तो वन टेन स्क्वायर बी बटा वन प्लस टेन स्क्वायर बी, इतना फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन मुझे चाहिए ए वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देख रहे हैं, लिख सकता हूँ ना पाई माइनस बी आ कॉस ए माइनस सी आ माइनस ए, अब जैसा है उसको अभी उसी तरह रखने दीजिए, अब जरूरी पड़ेगा इतना बराबर क्या हो जाएगा, कॉस में आ जाएगा, कॉस में रहेगा क्योंकि पाई से टकरा रहा है, इसीलिए कॉस बी हो जाएगा और कॉस ए माइनस सी और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस को गुना करिए यहाँ पर तो माइनस टू कॉस स्क्वायर बी और माइनस जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इतना हो गया आपको क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉस बी कॉमन ले सकते हैं, और कॉस बी कॉमन लीजिएगा टू कॉस बी, यहाँ पर क्या बचेगा कॉस ए माइनस सी, यहाँ क्या बचेगा माइनस आपका ए गो कॉस स्क्वायर कॉस बी बच जाएगा आप प्लस वन, इतना हो जाएगा ना। और इतना होने के बाद किसी एक को आप चेंज कर दीजिए उसमें, अब इसी को अगर हम बी के रूप में लिखे बी बराबर अगर इतना लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बी बराबर क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस ए प्लस बी कर सकता हूँ, इसके पहले वाले में जिस तरह से मैं किया था उस तरह से कर रहा हूँ, अगर टू कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस सी यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दूँ इतना बराबर हो गया, यहाँ पर क्या होगा कॉस इतना, मैंने डायरेक्ट आप आ सकता है आपको कॉस ए प्लस बी आप प्लस वन। अब यहाँ पर फिर उस तरह से फॉर्मूला गया, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो उसके अनुसार अगर सवाल में का यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग आ गया, इसमें क्या होगा कि माइनस प्लस में थोड़ा सा आएगा क्योंकि ये आपका इधर आ जाएगा वो वाला उधर चला जाएगा, आइए तो इतना मिल जाएगा, नीचे दिख रहा होगा टू कॉस बी इंटू इसको क्या लिखेगा टू कॉस ए प्लस ए प्लस ए हो गया और प्लस बी बटा टू, देखिए यहाँ आपका बी बी एक मिनट बी बराबर ना मुझे लिखना था तो बी बराबर लिखेंगे तो यहाँ सी ना होगा तो चेंज करिए यहाँ पर यहाँ सी लिखिए तो यहाँ भी सी हो जाएगा तो क्या हो गया यहाँ सी सी कट जाएगा और टू ए होगा तो टू ए हो गया तो टू ए बटा टू मतलब टू कट जाएगा तो बचेगा क्या, चलिए यहाँ पर लिखने के बाद कर दूंगा ए माइनस सी माइनस से गुना करेगा तो ये माइनस हो जाएगा टू हो गया प्लस क्या बच गया वन, यह आपका यहाँ से बड़ा पोस्ट कर सकता हूँ मैं और मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ इसे मिटा दे रहा हूँ, चलिए तो क्या हो जाएगा आपका टू कॉस बी इंटू देखिए यहाँ से टू कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या कॉस ए बचेगा ना टू या इसको जोड़िएगा टू ए या बटा टू कट कर ए ना बचा फिर इसको करिएगा तो यहाँ देखिए ए कट कर क्या बचेगा माइनस सी बट माइनस टू सी बटा टू कट जाएगा माइनस सी आएगा अब यह माइनस सी जो है बहरी इसको कीजिए तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट माइनस क्या आएगा यहाँ पर कॉस सी आएगा ना ए तो कट गया अब यहाँ पर प्लस हुआ अब यह माइनस बहरी आ जाएगा तो माइनस टू इसमें का टू कहाँ गया यहाँ तो टू है छूट गया है तो टू लिखे यहाँ माइनस तो दो दूना चार हो जाएगा तो माइनस चार कॉस बी कॉस ए कॉस सी और प्लस वन अब जिस तरह से ऑप्शन दिया उस तरह से देख लीजिए ऑप्शन किस तरह से दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि इसको अगर इस तरह से नहीं लिख सकते हैं प्लस है तो इधर आकर माइनस प्लस में ही रहेगा माइनस फोर कॉस बी कॉस ए और कॉस सी यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ठीक है।
देखिए बार बार बनाइएगा तो आप जल्दी में कर पाइएगा। मुझे यहाँ पर टोटल तेजी में अगर खींच दूंगा धक दे तो बहुत सा लड़का को नहीं बुझाएगा, ऊपरे ऊपरे दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक एक चीज बताना पड़ रहा है, इसलिए टाइम टेकिंग ले रहा है। लेकिन आप खुद एग्जाम में बनाइएगा तो वहाँ पर जितना जल्दी हो सके और जितना तेज आपका दिमाग काम करता है उतना रफ्तार में बनाइएगा। और यह रफ्तार बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर, साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है, इतना का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बट्टा वाला आधा आ जाएगा, ये तो फॉर्मूला आपको पता है, साइन टू ए है ना, टू साइन ए इंटू कॉस ए। लेकिन साइन ए होता है तो क्या होता है कि टू साइन ए जो है हाफ हो जाता है, कॉस हाफ, इस तरह से होता है। तो अगर यहाँ पर सवाल ठीक लिखा होगा मैं, हाँ चलिए सवाल एकदम सही लिखा गया है, तो उसी तरह यहाँ पर करिए, लिखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा टू इंटू कॉस ए बटा टू, यह फॉर्मूला इसके आधार पर फॉर्मूला ए। अगर मैं अगला वीडियो बना रहा तो ये सारे फॉर्मूला आ जाते, लेकिन आप लोगों का जिस तरह का रिस्पॉन्स आया उस तरह से मैं ज़्यादा उस पर नहीं गया। अब यहाँ पर इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए, कोई को फॉर्मूला में बता दिया, कॉस टू ए को तीन को बताया था जिसमें से ए को था ये वाला था ना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन वाला चाहिए मुझे, क्योंकि साइन साइन यहाँ पर कट जाएगा, इसलिए उस तरह का चाहिए। तो देखिए वन माइनस क्या होगा, वन यहाँ पर क्या होगा, माइनस टू टू साइन स्क्वायर ए बटा टू, क्योंकि यहाँ पर टू ए नहीं है इसलिए यहाँ पर हाफ होगा। ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे। अब क्या होगा, यह माइनस खोलेगा तो इसको क्या करेगा, इसको माइनस करेगा, इसको प्लस कर देगा, तो यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ, इसके साथ प्लस है तो माइनस, ये इसको प्लस, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचा आपका, टू बचा, टू टू कट जाएगा, ये को साइन स्क्वायर इसमें का काट देगा, तो क्या बच गया आपका फाइनली, सॉरी कॉस ए बटा टू बटा साइन ए बटा टू। अब यह कितना होगा, साइन बटा सॉरी कॉस बटा साइन कट में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर किधर है, यह फाइनली आपका आएगा क्या, कॉट ए बटा टू, सॉरी यहाँ टी हो जाएगा, कॉट ए बटा टू, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो है बहुत आसान, सिर्फ आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और आप चुटकियों में सवाल को हल कर पाइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं हम, 9 नंबर, 9 नंबर काफी दिमाग से थोड़ा समझिएगा तो ही होगा, 10 3x इंटू 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे दिया है आपको, तो ज्ञात क्या करने को बोल रहा है, और यह वैल्यू जो होगा 0 से लेकर जो x का मान होगा 0 से लेकर 90 के बीच में होगा, ठीक है, मतलब 0 90 डिग्री इसी के बीच में होगा। तो उसके आधार पर अगर बनाइएगा तो ध्यान दीजिए किस तरह से आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको यही पर सब इसमें निकालना क्या, x का मान निकालना है, मैंने कितना डिग्री है x का वैल्यू, ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 3x इज इक्वल टू, इसको अगर भेजते हैं तो -1 होगा। अब यह 10x क्या है, गुना में है, तो गुना में है तो ये नीचे चला जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये बात क्लियर हो गया आपको। अब इतना बराबर उल्टा है तो इसको कट के रूप में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से, तो आइए इसको मैं लिख दे हूँ, अगर 10 3x इजल टू, अगर कॉट माइनस रहेगा कॉटेक्स लिखू तो कोई दिक्कत, मैं कॉटेक्स बराबर 1/10x नहीं लिख सकता, या 10x बराबर 1/cot कोई भी लिखे, तो ये वाला मुझे दिया है तो ये वाला लिख सकता हूँ आसानी से, लिख सकता हूँ ना। तो अब आइए यहाँ पर मुझे करना क्या है, तो फाइनली अगर देखे 10 को तो इसको किस रूप में मैं लिख सकता हूँ, देखिए 10 3x इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस एक्स, मतलब इसको लिख क्या लिख सकता हूँ 10 इतना लिख सकता हूँ,
क्योंकि पाई में से घटाएंगे x, एक मिनट, पाई से घटाएंगे तो ये तो आपका कट में ही रह जाए, केल में ही रह जाएगा, मुझे कट चाहिए, तो इसको आप बट्टा टू कर लीजिए, ठीक है, इसको बट्टा टू कर सकते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, नहीं लिख सकते हैं आप यहाँ पर, होता है ना, टेन नब्बे माइनस एक्स इक्वल टू कट एक्स, माइनस तो आपका है तो माइनस यहाँ रख लीजिएगा, तो कट एक्स को इतना लिख सकता हूँ आसानी से। अब यहाँ पर क्या होगा, टेन टेन अपने आप कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स इंटू, और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस फाइव बाई टू एक्स, इस तरह से माइनस से गुना करिएगा तो ये प्लस चला जाएगा, अब ये प्लस आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर प्लस के रूप में लिख दीजिए, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस करिएगा तो ये खुद ही हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये नब्बे में कुछ भी जोड़िएगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा ना, अब इस क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन और उसका उल्टा वाला कोसेक, सॉरी साइन और कोसाइन, वही वाला, सॉरी साइन और कोसेक, साइन ये वाला कोसेक और साइन, यही वाला प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, और टेन है इसमें तो या तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ प्लस कर दिए हैं हम, तो कोई दिक्कत, वैसे भी माइनस से भी गुना कर दे तो वो हो जाता है, अब देखिए ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये और थ्री एक्स माइनस एक्स होगा, क्या बचा पाई बाई टू, कितना हुआ थ्री एक्स पाई बाई टू, अब एक्स बराबर क्या हुआ, या दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे जाकर गुना में चला जाएगा, तो पाई इंटू टू गुने टू मतलब पाई बटा फोर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको तरीका ये हुआ, लेकिन और भी तरीके से हम बना सकते हैं, तो देख लीजिए ऑप्शन कितना में है, तो नौ का बी, पाई बाई फोर क्या है ऑप्शन में, बी है, ठीक है, बी ऑप्शन में है पाई बाई फोर, तो ये रहा नंबर क्वेश्चन, चलिए और क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए मैं पैरामीटर का बहुत सा क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, लमसम 70-80 क्वेश्चन करा चुका हूँ, इंग्लिश का भी, साइंस का भी, जीके का भी और मैथ का भी, तो नहीं देखे तो सबका मेरे चैनल के अंदर जाइए, मैं प्लेलिस्ट जो बनाया हूँ पैरामीटर के लिए उसका लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, या आई बटन में कुछ लेटेस्ट वीडियो होंगे वो भी दिया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं लेटेस्ट वीडियो जो अभी अभी डाला गया होगा दो तीन दिन पहले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा, यही ना क्वेश्चन है, हाँ यही है, तो यहाँ आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये तो काफी आसान है, ये तो क्वेश्चन आपको चुटकियों में हो जाना चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या कर सकते, किसी को भी एक रूप में लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन नॉर्मल माइनस टू थीटा लिख सकता हूँ, आसानी से लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन नॉर्मल माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पर क्या है टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो गया, अब साइन हट जाएगा तो क्या होगा, टू थीटा इक्वल टू नॉर्मल माइनस टू थीटा, अब यह इधर आएगा तो क्या होगा, फोर थीटा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा इधर, और प्लस होगा तो फोर हो जाएगा, इधर दो गो थीटा आ जाएगा दो गो, तो चार गो हो गया, एक नब्बे हो गया, थीटा बराबर क्या हो गया नब्बे बटा चार, तो कह लीजिए दो मरतबे पाँच, 22.5 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 22.5 को इस तरह से नहीं लिखा है, इसको इस तरह से कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, तो 10 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चलिए और देखते हैं हम क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर, त्रिभुज दे दिया है आपको, अब ये क्वेश्चन आपको अब यहाँ पर आप तो पढ़े नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये मैं बता दूंगा, एक कोजा एक होता है सूत्र होता है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए आपका 30 दे दिया है, ठीक है, एंगल ए एंगल बी 60 हो गया आपका, ये आपका 90 डिग्री का, ठीक है, आपको ए बी सी जो भुजा है ये हो गया ए, ये हो गया बी, सामने सामने वाला होता है, इसके सामने वाला का छोटा ए, इसके सामने वाला का छोटा बी, इसके सामने वाला का छोटा बी, अब इसका अनुपात पूछ रहा है, किसका, ए बी सी, इसी का अनुपात पूछ रहा है, आप सवाल में देख चुके होंगे, तो इस तरह के सवाल के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये पहले पूछ कर रहा है मुझे देखने दीजिए, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है,
तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, एक मिनट सवाल मुझे, इसका अनुपात है ना, सिर्फ अनुपात देखना है आपको। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि एक जाया त्रिज्या, जाया त्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है, माने जाया फॉर्मूला। जाया फॉर्मूला में क्या होता है कि ए बटा साइन ए, ठीक है, बराबर बी बटा साइन बी, बराबर सी बटा साइन सी, ये फॉर्मूला होता है। अब कहीं पर ये दे दिया है, बी भी दे दिया है, और बी 90 डिग्री हो जाएगा और सी आपका 30 डिग्री दे रखा है, ये वैल्यू दे दिया है, आप यहाँ से सी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अब इसी का तो हम, मुझे पूरा ज्ञात करना है हमें उसका क्या अनुपात में। और मान रखते चलिए ए बटा साइन 60, ए का सॉरी 30 दिया है, 30 बराबर बी बटा साइन 90 बराबर सी बटा साइन 30। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करिएगा तो क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/3 इक्वल टू बी साइन एक होता है, साइन 90 का एक होता है, अब सी बटा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अनुपात में आता है, ट्रिक आता है, अगर बटा में है तो इसको पलट कर लिख दीजिए, उसका अनुपात हो जाएगा, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है तो इस जो वैल्यू दिया है, जित जो भी वैल्यू है उसको पलट में, अगर एक दू रहता तो 1/2 हो जाता, तो इसको पलटिएगा तो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, ठीक है, इसको एक को एक जैसा ही रह जाएगा अनुपात, अब यहाँ पर एक ऊपर चला जाएगा 2, इस तरह से हो जाएगा आपका। तो इसको अनुपात में रखिएगा, एक मिनट में थोड़ा सा उल्टा कर दिया, देखिए गुना रहता है वैल्यू तब तो उसको पलट कर लिखा जाता है, अगर बट्टा में है तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो पहले ए का ए ही जो पहले जो वैल्यू है उसको पहले ही लिखेंगे, तो किस तरह से लिखेंगे आपका, साइन 30 का वैल्यू, वही तो मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूजन तो हुआ है, यहाँ भी 60, यहाँ 60 न है सी का, यहाँ 30 है, ठीक है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 90 आपका वैल्यू किसका किसका दे दिया है, एक मिनट सवाल में बी का ना 60 दिया है, तो यहाँ बी होगा, ये होगा आपका सी, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 60, यहाँ क्या हो जाएगा 90, हुआ था कंफ्यूजन होता है, अमान पुट करिए, इसका हो जाएगा वैल्यू आपका √3/2 और इसका हो जाएगा 1। अब वैल्यू जिस तरह है उस तरह से लिख दीजिए, इसका वैल्यू क्या है 1/2, इसका क्या है √3/2, इसका क्या है 1। अब देखिए अनुपात जब लिखा जाता है ना तो बाटा के रूप में नहीं लिखा जाता है, और बाटा को हटाने के लिए क्या किया जाता है कि नीचे का जो जो भी वैल्यू है नीचे का उसका एलसीएम निकालते हैं और उस एलसीएम से इन सब में गुना कर देते हैं, तो इसका 2 है, एलसीएम 2 ही होगा, तो 2 से गुना करिएगा, यहाँ पर सौ में 2 से गुना, इसमें भी इसमें भी, तो क्या होगा इसका इसका 2 कट जाएगा, उसका तो 2 से 2 में 1 से गुना करिएगा 2 हो जाएगा, तो क्या हुआ 1/√3/2, तो यही आपका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 11 का, ऑप्शन नंबर 1√ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 11 का बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कि किस तरह से अनुपात लिखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर बाटा में दिया दे रखा है तो इसको अनुपात में लिखना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए जो जिसके सामने आए, ठीक है 90, लेकिन अगर गुना में रहता है यही माने साइन 30 a = b sin 60 = c sin 90, तो इसको लिखना होता तो इसको बाटा में लिखते माने 1/sin 30 अनुपात 1/sin 60 अनुपात 1/sin 90, तो किसका अनुपात होगा a अनुपात b अनुपात c का। अब यहाँ मान फूट करते तो क्या होता उसका पलट जाता, तो इसीलिए मैं बोला था इसको पलट जाता,
तो गुना में होता है तब पलटता है, अगर भागा में तो ज्यों का त्यों, उसके सामने वाला ए है तो ए का अनुपात यही हो जाएगा। मान दीजिए अब कर दीजिए, बट भिन्न में आ रहा है तो देखबे कि भिन्न को कैसे हटाना है तो मैं बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा तरीका थोड़ा जो बता रहा हूँ सवाल लंबा हो रहा है, समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, आप एक बार समझ जाइएगा तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए देख आ रहा है त्रिभुज में एबीसी दे दिया, ठीक है, अब दे दिया आपका ए आपका 18 है, आपका बी 24 है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ बी कर लीजिए और यहाँ से ए कर लीजिए, ठीक है। अब आपका सी 30 दे दिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, अगर साइन से निकालेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, हीरो का सूत्र लगाइएगा तो भी ज्यादा टाइम लगेगा। एक ही फॉर्मूला आपको पता है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, और तेजी में निकालना है 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब, आधार आपको दिख रहा है शीर्षलंब दिख रहा है, तो आधार हो गया 18, ऊंचाई हो गया आपका क्या बोला या शीर्षलंब के अंतर्गत ही आ जाएगा, आधार गुणे 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का एकदम सटीक, अब यह जो है त्रिप्लेट था इसलिए मैं समझ गया कि आपका यह संपूर्ण त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पर हो गया क्या हो जाएगा 9 गुना कर दीजिए 36, हाथ में 3 × 2 = 18 अगर यहाँ पर आप जीरो का सूत्र लगाइएगा तो पहले एस निकालिएगा, सबको जोड़िएगा बटा दो करिएगा, उसके बाद आपका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस पर रखिएगा रूट निकालिएगा आपका यही फाइनली वैल्यू आएगा। तो ज्यादा तो बेटर रहेगा कि कम समय वाला ही हम यूज करें, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 200 ए हो जाएगा, आपका 216 ए में दे दिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी है, थोड़ा मैं खींचूंगा तेजी में, आइए आपको दे दिया। तो देखिए 13 नंबर में यह बोल रहा है त्रिभुज एबीसी दे दिया, अब 10a/2 × 10b/2 का एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, मतलब 10a/2 दे दिया, अब फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी, मतलब यहाँ जो वैल्यू दिया इसको छोड़कर दूगो और कौन बचेगा त्रिभुज का बी बचेगा सी बचेगा, उसको ऊपर में एस वाला से घटा लीजिए इंटू एस माइनस ए, इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो अगर अनुपात में इसे लिखते हैं बी वाला का वैल्यू भी उसी तरह होगा, लेकिन यहाँ पर यहाँ बी दिया है तो बी छोड़कर ए या सी आ जाएगा, उसको लिखिएगा और बी को नीचे लिखिएगा, ताइए इसको इसके लिए सिर्फ मैं पहले लिख रहा हूँ, पहले ही लिख दिया तो उसको लाइए एस माइनस बी होगा, इसको बाटा में लिखते लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा ना 10a/2 × 10b/2, तो इसको भी मैं उस तरह से लिख सकता हूँ एस माइनस सी होगा ना इंटू एस माइनस ए होगा, अब बाटा यहाँ से समझिएगा इसका हो गया, अब इसको लिखना है मुझे तो क्या होगा रूट अंडर एस माइनस बी है तो बी को छोड़कर ए वाला लिखिए एस माइनस सी लिखिएगा ना, बी है तो बी छोड़कर ऊपर वाला, अब बी वाला क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस बी, अब ध्यान से देखिएगा रूट रूट हटा दीजिए या रूट को एक एक छतरी में ला सकते हैं आप, जब अनुपात में लिखिएगा तो दोनों साइड से उड़ेगा हर चीज। चलिए मैं यहाँ पर ऐसे कर दिया एस एस कट गया आपका ये वाला कट गया, आप देखिए इसको पलट कर लिखते हैं तो क्या बचता है आपका एस माइनस बी बटा एस माइनस ए बचा ना, यहाँ पर ए बचा, अब देखिए ये क्या होगा जाएगा तो पलटेगा तो ए वाला ऊपर चला जाएगा ये वाला नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एस माइनस बी और एस माइनस ए यही आपका आया तब स्क्वायर हो जाएगा, अब स्क्वायर हो जाएगा एस माइनस बी का स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर, यह रूटे में है तो क्या होगा अब स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा इसका, यहाँ भी स्क्वायर में है
तो जब भर जाएगा तो फाइनली आपका क्या आएगा, फाइनली आपका क्या बच गया, एस माइनस बी बटा एस माइनस ए। अब पोस्ट में लिखिए या ना लिखिए सब चीज हटिएगा, अनुपात में लिख दीजिए इसको, अनुपात में किस तरह लिखिएगा, एस माइनस बी अनुपात एस माइनस ए आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना है आपका, देखिए सवाल में ऑप्शन नंबर आपका बी और उसके बाद ए, जो ऑप्शन में हो वो आप आंसर टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन आप देख लीजिएगा जिसमें होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा और वीडियो को दो से तीन बार देखिएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कमेंट करिएगा तो जो फॉर्मूला है उसको मैं तोड़कर समझा दूंगा, याद नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूला, खुद से आप फॉर्मूला तैयार कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट करिएगा तो ही मैं करूंगा ऐसा। चलिए 14 नंबर देखिए, क्या है कॉस साइन इनवर्स 5/13, यही ना सवाल, वैल्यू ऐड कर दीजिए। आइए अगर इसे कॉस के रूप में लिखते हैं तो क्या होगा, कॉस के रूप में लिखिएगा तो क्या होगा, कॉस अब यह ट्रिपलेट किसका है 5/13, तो आपका ये दे दिया पी साइन है तो साइन है तो पी बटा ये छीन लिया होगा, तो बी निकालिएगा तो क्या आएगा 12/13। अब इतना बराबर होता है आंसर, आंसर पता है ना, साइन कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, उसके अनुसार मैं यहाँ पर कर लिया, अगर पूरा तरीका से जाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये डायरेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या दिया इसके बाद, इंटू में है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, यही आपको ज्ञात करना है। अब इतना बराबर क्या होता है यही हमें ज्ञात करना है, तो आइए किस तरह से हम करते हैं, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना किस तरह से होता है, क्या होता है 10 ए प्लस 10 बी, चलिए मैं थोड़ा सोच लिखता हूँ, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी हो गया एगो फॉर्मूला, इसको भी उस तरह से कर लीजिएगा। अगर उसको भी करते हैं तो वहां पर एक चीज, अच्छा मैं कर दे रहा हूँ उसके बाद मैं बताऊंगा, 3 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा बटा 1 माइनस 10 3 बाई 4 इंटू 10 थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 10 थीटा, क्या हो जाएगा 1 10 थीटा, 10 45 का मान 1 होता है ना, चलिए अब उन्हें इसका भी वैल्यू 1 होगा, कैसे होगा उसको क्या लिख सकते हैं, 10 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, अब इतना बराबर क्या होगा आपका 10 पाई होगा, और 10 पाई हो गई होगा 45, 45 का वैल्यू 1, तो 1 लिख दीजिए 1 प्लस 10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 थीटा, स्क्वायर हो गया, अब स्क्वायर हो गया तो यहाँ से अब साइन के रूप में चेंज करिए या आपको और भी तरीके हैं उसके अनुसार भी आप जा सकते हैं, एक मिनट सवाल में सही लिखा हूँ, यहाँ पर क्या होगा कि वैल्यू जो आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह 10 45 180, अब 180 वाला इधर है इधर घटेगा तो इधर आएगा, तो इधर 10 क्या होता है माइनस में होता है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, तो यह माइनस 1 हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका फाइनली, अगर आप देखें तो सवाल सही है ना, हाँ ठीक है, क्या गलती हुआ, इसका वैल्यू 1 हो गया आपका माइनस 1 हो गया, माइनस 1 लिख दिए यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है ठीक है, और माइनस यहाँ उधर चला जाएगा ये, तो 10 थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यही ना दिक्कत हो रहा है,
अब कट के आपका फाइनली यहाँ से अब देखिए, यहाँ देखिए अब दिक्कत कुछ नहीं है यहाँ पर, देखिए प्लस हो गया तो ई वाला तो आप काट सकते हैं, काट सकते हैं ऊपर के बचा माइनस, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तब वन माइनस टेन थीटा हो जाएगा, नीचे क्या बचा है वन माइनस टेन थीटा, यही ना बचा है नीचे, और ऊपर ये वाला है तो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ ना, माइनस कॉमन लूंगा तो यह माइनस वन है तो वन हो जाएगा, या प्लस है तो यह माइनस हो जाता है, अभी कट करके हो जाएगा माइनस एक आपका आंसर, ठीक है देख लीजिए माइनस वन किस में है ऑप्शन, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं ना आपको फील हो रहा है कि मैं ही बना रहा हूँ और मैं ही समझ रहा हूँ, ऐसा आए तो कमेंट करिएगा, उस पर काम किया जाएगा। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं आज, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लग रहा है तो ही, और इसके साथ अगले चैप्टर में क्या शुरू करूँ आप कमेंट करिए, मैं तो सोच रहा हूँ कि आपका इंट्रीगेशन शुरू करूँ, ठीक है इंट्रीगेशन शुरू करूँ, पर कमेंट करिए इंट्रीगेशन या अलजेब्रा इन्हीं दो में से कोई मैं अगला वीडियो लाऊंगा, तो इसी तरह हम लोग साथ मिलकर पढ़ते रहेंगे, और आप लोग अच्छे से इस लॉकडाउन को तैयारी को मजबूत करिए, जैसे लॉकडाउन खुलेगा एग्जाम शुरू हो जाएंगे सभी, धड़ाधड़ अपना निकालिएगा, ये नहीं कि बैठ कर अपना कि हाँ अब एग्जाम होगा तैयार से पढ़ेंगे, ऐसा ना करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।